हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम यहां देखेंगे फाइव ईयर प्लान की शुरुआत कब से हुई थी और क्या क्या हुआ था। इससे पहले हम तीन फाइव ईयर प्लान पढ़ चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि 1951 से हुआ था। पहला वाला 1951 से लेके 56 तक, ठीक है, 56 से हुआ था 61 तक, 61 से हुआ था 65 तक, ओके। इसके बाद 67 और 68 में क्या गया था, हॉलीडे प्लान, और इसके आगे से पढ़ेंगे फोर्थ फाइव ईयर प्लान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फाइव ईयर प्लान की। फाइव ईयर प्लान की हिस्ट्री क्या रही थी ये मैं बता देता हूँ, मैं हर बार बताता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर जल्दी से याद रहे, ठीक है। कुछ नहीं था, बस फाइव ईयर प्लान की हिस्ट्री ये थी, जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था 40 से 50 के टाइम पर, उस टाइम पर कई सारी कंपनियों के प्रपोजल आए थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों ने बैठ के एक प्लान बनाया था कि हमें प्लान होनी चाहिए इकोनॉमी को लेके। उसको बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना गया था, एक ड्राफ्ट करा था इन्होंने सीटिंग बैठ के। उसके बाद इन्होंने चॉइस ली थी कि क्या कि हम एक प्लान, मतलब एक 5 साल का एक तजुर्बा लिया करेंगे कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है उस प्लान के अंदर। तो सबसे पहले ये तजुर्बा लिया गया था कहाँ पर, सोवियत यूनियन में, फाइव ईयर प्लान के नाम से जाना गया था, जिसको क्या था, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में, ठीक है, 1928 में भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी के बाद भारत के अंदर भी ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर जब ये एग्जीक्यूट होता तो भारत के अंदर क्या कर रहा था, नॉन बजट चलता था, जब पता नहीं चलता था कितना आ रहा है पैसा, कितना जा रहा है, फिर इसको बजट करने लगे, 5 साल के अंतर देखने लगे कितना खर्चा आ रहा है। 1951 से लेकर 2017 तक 12 फाइव ईयर प्लान आए थे, जिसमें कि हम तीन पढ़ चुके हैं, चौथा हम पढ़ेंगे। इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसका जो हेड होता है वो होता है पीएम। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद नीति आयोग बना दिया था 2015 में। नीति आयोग ने पहले 3 साल का एजेंडा लिया, फिर 7 साल का, उसके बाद लिया 15 साल का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके बाद फोर्थ फाइव ईयर प्लान। मैंने बता दिया 66, 67 और 68 में हॉलीडे प्लान आ गया था, उस टाइम पे वॉर हो गए थे, ठीक है। 1962 में हुआ था इंडो साइनो वॉर, साइनो मतलब चाइना के साथ होता, और 1965 में हुआ था पाक के साथ, तो इस वजह से ये दिक्कतें हो गई थी, ठीक है। 96 तो ये 62 वाले प्लान था, लेकिन 67, 68 और 69 के टाइम पर क्या हुआ था, ये इंडो इस वाले में, तो 65 वाले में, तो जिस वजह से ना इकोनॉमी हमारी कम हो गई थी, जो अचीवमेंट भी नहीं कर पाए थे, इस वजह से आगे फाइव ईयर प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर कौन था, द इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इसको इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस कर रही थी, मैंने कहा था ना जो फाइव ईयर प्लान होता है उसके हेड कौन होता है, सीएम होता, वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसको बेस्ड ऑन द गार्गेट फार्मूला, इसको गार्गेट फार्मूले के ऊपर बेस करा था। इसके अंदर क्या करा था, क्या था, लीड ऑन द ग्रोथ ऑन स्टेबिलिटी के ऊपर ग्रोथ करा था, ठीक है, और प्रोग्रेस इन टूवर्ड द सेल्फ रिलायंस बनाना था लोगों को, ठीक है। द गवर्नमेंट इज नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और 14 बैंक को नेशनलाइज किया था, नेशनलाइज मतलब कि एक बैंक है उसको राष्ट्रीयकरण ही कर दिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, 1969 के टाइम पर आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, और इसके एम एस स्वामीनाथन हेड थे। द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो आल्सो लॉन्च, जहाँ पे सूखे पड़ गया था एरिया पर, वहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि वहाँ पे जो हरियाली द्वारा से आ सके और वहाँ का जो सूखा है वो ख़त्म हो सके, वहाँ पे हरियाली कैसे आ सकती है, वहाँ पे जो लोग सूखा पड़ गया था वहाँ के लोगों की मदद की गई थी। टारगेट इन्होंने रेट करा था 5.6 का, लेकिन अचीवमेंट हुआ था 3.3 का, इतना ग्रोथ नहीं हो पाया था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, जितने भी नए लोग आए हैं चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शॉर्ट वीडियो जरूर देखें, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में आपका पॉलिटी के आर्टिकल्स चल रहे हैं और, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ मैं शॉर्ट में, वो जरूर देखें। एंड थैंक यू गाइज़।